नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञान प्रभात चंद्र और आज हमारे मुख्य समाचारों में, वैज्ञानिकों ने पता किया है कि मंगल ग्रह पर 1000 साल पुरानी बर्फ मिली है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ के साथ साथ बगल में किराने की दुकान भी होगी, जहां से चकने का और दारू का इंतजाम हो सकता है। वहीं पर बैठ के मंगल पर अपना कल्याण करें आप। अन्य समाचारों में, इलाहाबाद के पास जौनपुर इलाके के एक छोटे से गांव, एक छोटे से कस्बे में शादी के वक्त चल रहे डीजे पार्टी में एक लड़की डीजे के पास पहुंची और बोलने लगी, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। डीजे ने उस लड़की को पकड़ के ऐसा बजाया, ऐसा बजाया, ऐसा बजाया, ऐसा बजाया। ऑक्सिलरी वायर, आरसी इनपुट, स्टीरियो ईपी, किसी चीज का कोई अंदाजा नहीं था। वो लड़की ना तो कुछ सुनने लायक रही, ना तो कुछ देखने लायक, ना दिखाने लायक। अन्य समाचारों में, साहित्यकारों और राइटरों ने अपने अवार्ड्स को लौटाने की ये मुहिम जो छेड़ी है वो अब भी जारी है। अवार्ड जिनको लौटाया जा रहा है वो लोग बोल रहे हैं कि अवार्ड तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अवार्ड के साथ साथ जो चेक दिए गए थे 2-2 लाख रुपए के, वो कब लौटाओगे कुत्तो? साहित्यकारों और लेखकों की बात चली है तो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के बहुत ही प्रबल, बहुत ही टाइप के लेखक जावेद कुरेश। इतना सारा पाउडर, ये क्या हो गया? नहीं, ये तो हमारे बचपन की हमारी एक परंपरा रही है, एक संस्कार रहे कि नहाने के बाद पाउडर लगाना चाहिए। लेकिन इतना सारा पाउडर पूरे मुंह पे? हमारी मम्मी हमको लगाती थी, बाथ टब में हमको पहले मारने की कोशिश करती थी, बिकॉज हम बचपन से लिखने का ट्राई करते थे। हम अपनी कविता पढ़ाते थे तो हमारा मुंह लेके पानी में डाल देती थी, माफ करते करते वो बाहर निकालती थी, फिर पाउडर वाउडर लगा के पालने में छोड़ देती थी। यही आज भी हमारे घर में प्रथा चली आ रही। अब मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहूंगा जिसके लिए आपको इस शो पर बुलाया गया है। मैं पूछना चाहूंगा कि दिवाली का पर्व आप किस तरह से मनाते हैं? दिवाली जो है बहुत ही एक बेहतरीन पर्व है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी की वाइब होती है। अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा है कि दिवाली के वक्त में क्या, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मैं एक चीज़ नहीं करता। हाँ, पटाखे तो मतलब क्या बताएं, हमारे इलाके में तो क्या पटाखे, अच्छे जलाने वाले पटाखे नहीं। मुझे लगा वो जो सुंदर लड़कियाँ जो पटाखा बन के निकलती वो नहीं, पटाखे मुझे तो जलाने का बहुत शौक है। जी, लेकिन मैं फिर भी लोगों से कहना चाहूँगा, हिदायत दूंगा कि वो पटाखे ना जलाएं, दियों की रोशनी में दिवाली मनाएं। सीन क्या होता था, मैं बचपन की बात आपको बता रहा हूँ, मुझे पटाखे जलाना बहुत अच्छा लगता था। जो पटाखा है वो है रॉकेट। मतलब बचपन में मुझको याद है वो ब्लैक लेबल की बॉटल थी और उसमें मैंने रॉकेट डाला और सीधे मंगल पे। बचपन में आपका रॉकेट मंगल पर पहुंच गया? हाँ, यहाँ पर हमारा देश इसरो, नासा। अरे इसरो क्या, इसरो, अरे इसरो नासा सब पीछे रह गए, पता नहीं क्या बात कर रहे हो तुम, इसरो सीधे मंगल पे। लेकिन आप, अरे सच्ची मम्मी कसम, I swear on you baby, seriously, मंगल पे मतलब मैंने रॉकेट जलाया सीधे मंगल पे। मंगल हमारा दूध वाला था, वो साइकिल से जा रहा था, मंगल पे रॉकेट चला गया और उसके साथ साथ उसके तबेले में चला गया, तबेला तक जल के राख हो गया। इनफैक्ट तबेले की ज्वलनशीलता से जितनी भैंसें थी सब काली हो गई यार, सीरियसली आई एम नॉट किडिंग, इट्स नॉट जोक बेबी। जावेद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भैंसें नेचुरली काली ही होती हैं। भैंसें इससे पहले अलग अलग कलर में आती थीं, क्रेयॉन कलर्स लाइक पर्पल, टर्कोइज, मैजेंटा, ग्रीन, इस तरह की भैंसें होती थी। ये मेरे जलाने के बाद द DNA एंड द जीन्स ऑफ द होल भैंस कम्युनिटी चेंज्ड। जी, तो दिवाली पर मेरा ये योगदान रहा है। धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जितने लोग देख रहे हैं हम आपसे विनती करेंगे कि इस तरह से रॉकेट चलाकर आप किसी की जान जोखिम में ना डालें। फिलहाल आपसे आज्ञा लेंगे और आप ये क्या कर रहे थे आप? पाउडर पाउडर ही है, टेलकम पाउडर ये वाला है। आपने कहा था ये आप तो पाउडर लगा रहे थे आप, ये तो गोरा होने का पाउडर होता है। अरे सच्ची मम्मी कसम, आई स्वेयर ऑन यू। नहीं अरे तो ये मुंह पे लगाया। देखो सिर्फ तन गोरा होने से क्या होता है, मन भी गोरा होना चाहिए, स्तन भी गोरा। यू गॉट माई पॉइंट यार। नया नोट बनाना पड़ेगा। अगर हमारे अतरंगी जोक्स ने आपके मूड को सतरंगी किया हो तो प्लीज शेयर लाइक और सब्सक्राइब, वरना घर में घुस के मारूंगा।